नमस्ते, आपका स्वागत है बढ़ती का नाम गाड़ी पर। एक्सीडेंट्स की कहानी, भूतों की जुबानी। आज की कहानी थोड़ी सी खास है हमारे लिए, क्योंकि जो मेहमान है हमारे, उनकी उम्र सिर्फ 13 साल की थी जब वो मेहमान हुए। और बेचारगी ये है कि ये अपनी गलती से नहीं बल्कि किसी और की गलती की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो आइए मिलते हैं निर्दोष जूनियर से। मिस्टर जूनियर आइए। बेटा आ गए तुम? प्रेजेंट सर। हाँ नहीं, सर मत बोलो यार, भैया चलेगा। पर आप सर या अंकल टाइप ही लगते हैं। फिर तो सर ही ठीक है, सर बोलो। माय नेम इज निर्दोष जूनियर, आई वाज इन क्लास 10th पी भारत विद्या मंदिर। माय हॉबीज वर प्लेइंग क्रिकेट एंड डांसिंग। नहीं, बहुत अच्छी हॉबीज हैं आपकी, बट हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपके साथ हुआ क्या था। मेरा स्कूल घर से ज्यादा दूर नहीं था, इसीलिए मैं रोज वॉक करके आता जाता था। जब ये घटना घटी तो आप सड़क के बीचों बीच वॉक कर रहे थे क्या? बिल्कुल नहीं अंकल, मुझे रोड सेफ्टी के रूल्स स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, मैं हमेशा उन्हें फॉलो करता हूँ, मेरा मतलब करता था। मैं सड़क के लेफ्ट साइड में चल रहा था, फुटपाथ पर मेंटेनेंस का काम चल रहा था, इसीलिए मैं रोड पर चलने लगा। मैं अपने साइड पर एकदम रोड के कॉर्नर पर ही चल रहा था। वेरी गुड, अच्छा ही कर रहे थे। मैं सामने देखकर चल रहा था, पर मुझे लगा कि पीछे से एक कार मेरी तरफ बड़ी स्पीड में आ रही है। मैं पलटा, कार इतनी स्पीड में थी कि रुकी भी नहीं। तो देख रहे हैं आप, ये कार अगर अपनी स्पीड लिमिट में होती, फुटपाथ पर चलने वालों का ध्यान रखती, रोड जो क्रॉस कर रहे हैं उनका ध्यान रखती, तो निर्दोष जूनियर के साथ यह हादसा ना हुआ होता। निर्दोष जूनियर जब इनका मतलब देहांत हुआ तो वो महज 13 साल के थे। आज अगर वो जिंदा होते तो किसी कॉलेज में पढ़ रहे होते। आखिर क्यों हम सड़क पर गाड़ी चलाते समय भूल जाते हैं कि सड़क सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं है, उस पर लोग पैदल भी चलते हैं, बाइक वाले भी हैं, साइकिल वाले भी हैं। सड़क सबके लिए है, सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है। एक बात जान लीजिए, लापरवाह हाथों में कोई भी गाड़ी एक खतरनाक हथियार की तरह है। मतलब रैश ड्राइविंग जो है वो सैकड़ों लोगों की जान ले सकती है, और ली है तो हमें इन बातों का थोड़ा ध्यान रखना है। गाड़ी क्या अंकल, मोटर बाइक, ट्रक, टेम्पो, इन सभी का ध्यान रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये नियम सबके लिए है। अगर आप रोड पर हैं तो दूसरों का ख्याल रखकर अपना वाहन चलाएं। बेटा बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप हमारे शो में आए और हमसे आपने अपनी कहानी शेयर करी। हमारे दर्शक जो देख रहे हैं आपका शो, इन बातों का थोड़ा ध्यान रखेंगे और सावधानी से गाड़ी चलाएंगे। तो आइए अब देखते हैं आज का बम्पर स्टिकर। सड़क सबकी होती है, रखना चाहिए ये सबको ध्यान, लापरवाही से चलाई जाए तो गाड़ी भी ले सकती है जान। अभी हमने ये एक बच्चे की कहानी देखी, बहुत दुखद है। ये बच्चा किसी दूसरे की लापरवाही से मरा है, और लापरवाही कभी भी उम्र नहीं देखती, क्योंकि वो लापरवाह। तो सड़क पर कभी भी लापरवाही न बरतें, अपना ध्यान रखें, दूसरों का ध्यान रखें। फिलहाल इतना ही, अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी एक नए भूत के साथ, एक नई कहानी के साथ।